सवर्ण आरक्षण बिल को भी पेश किया जा सकता है, और अगर पेश किया जाएगा तो क्या इसमें कोई नियम कानून भी बनाए जाएंगे जैसा कि संसद में पेश किया गया, क्या उससे अलग कोई नियम कानून भी इसमें पेश किए जाएंगे प्रदेश को ध्यान में रखते हुए? देखिए दुर्गेश, बजट सत्र शुरू होना है और बजट सत्र के ऊपर भी आज योगी कैबिनेट की चर्चा है, और इसके बाद जो आगामी इस बजट सत्र के अंदर इस 10% आरक्षण वाले बिल को भी रखा जाएगा, टेबल किया जाएगा, और उसके बाद दो तिहाई बहुमत से यह कहीं अध्यादेश को पारित करने के लिए यहां पर सहमति जताई जाएगी। लेकिन नए कानून, नए बदलाव की बात की जाए, क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ा काम यह है कि आखिर आर्थिक आधार पर सवर्णों की जो स्थिति रखी गई है सरकार के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर, उसको पूरा एक लिस्टिंग करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि अगर वो लिस्टिंग हो जाता है तो उसके बाद से सवर्ण आरक्षण का जो लाभ हो वो त्वरित तरीके से मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी अब योगी सरकार को बड़ी जल्द मेहनत करनी पड़ेगी और तेजी से इस आरक्षण के लाभ को देना पड़ेगा, क्योंकि 2019 का जो चुनाव है उसको देखते हुए माना जा रहा था और विपक्ष ने भी आरोप लगाया था कि ये सब मामले लेके आए जा रहे हैं योगी केंद्र सरकार में। तो जाहिर सी बात है जब तक प्रदेश सरकार इसको लागू नहीं करेगी और तो सीधे तौर पर लाभ नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते अब योगी सरकार को और तेजी से काम करना पड़ेगा इस 10% आरक्षण को लेकर। तो जाहिर सी बात है कि इस कैबिनेट के अंदर जो फैसले आएंगे उसके बाद रखा जाएगा बजट सत्र के अंदर इस पूरे मामले को, ताकि इसको जल्द से जल्द मंजूरी मिल सके और जल्द से जल्द लागू हो सके। जी रामानुज, आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार का भी बजट सत्र शुरू होगा 31 तारीख से, वहीं योगी सरकार का भी बजट सत्र काफी खास होने वाला है, तो किन किन मुद्दों को इसमें शामिल कर सकते हैं, किन किन बातों को इस बजट सत्र में शामिल किया जा सकता है, क्या इसके अनुमान है? देखिए दुर्गेश, ये जो बजट सत्र है ये पूर्णकालिक बजट सत्र होगा योगी सरकार का, क्योंकि पूर्णकालिक बजट सत्र के अंदर पूरी साल का जो है वो बजट पेश किया जाता है, उसमें कई अहम मुद्दे होते हैं, कृषि योजना से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, क्योंकि माना ही जा रहा है कि 2019 में किसानों को लाभ देने की और तेज से कवायद शुरू हो गई है। और केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने भी जो बजट लेके आ रही है, लेकिन वो बजट वो केंद्र सरकार पूरा नहीं खर्च कर पाई, क्योंकि जिस तरीके से मार्च के अंदर हो सकता है कि चुनाव जो संहिता लागू हो जाए पहले सप्ताह के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो बजट सत्र अगली सरकार प्रयोग करेगी केंद्र का। लेकिन प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार का ये पूर्णकालिक बजट होगा, और इस पूर्णकालिक बजट के लिए कई अहम मुद्दे होंगे, गौ सेवा से लेकर तमाम नदियों से, और किसानों की बात की जाए तो किसानों को भी लाभ देने की बात चल रही है, तो उसकी जो परिस्थिति है उसका जो खाका वो तैयार करके इस बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। जी रामानुज, एक अंतिम सवाल, एक शब्द में बताइए कितने बजे ये बैठक शुरू होगी और कब तक चलेगी, बस इतना बताइए, उसके बाद आगे खबरों को बढ़ाएंगे। बैठक है 10:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद 12 बजे ब्रीफिंग होगी, और तमाम वो जो बातें अंदर कैबिनेट के अंदर मंजूरी होगी उनको ब्रीफिंग के द्वारा बताया जाएगा। जी धन्यवाद रामानुज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए। आपको बता दें 10:30 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।